तब्बू, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी। इस टेस्टी ब्रेड को मैंने बिना ओवन के हांडी में बनाया है और इसी वीडियो में मैंने इस ब्रेड को ओवन में बनाने का तरीका भी शेयर किया है। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी ब्रेड को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ब्रेड का डो बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, ये तकरीबन 200 ग्राम है, 1 अंडा, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी ये ब्रेड बना सकते हैं। और हम लेंगे 2 टेबलस्पून तेल, 1/4 कप नीम गर्म पानी और 1/2 कप दूध। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। नीम गर्म पानी में ईस्ट और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना इससे ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। और ईस्ट की एक्सपायरी डेट को हमेशा यूज़ करने से पहले ज़रूर चेक कर लें, अगर ये एक्सपायर हो चुकी है तो भी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। अब इस ईस्ट के मिक्सचर को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख दें। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। अगर ये इस तरह से ना फूली हो तो इसको आगे ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका डो राइज नहीं होगा। एक बड़े से बोल में मैदा लें और इसमें नमक, मिल्क पाउडर, ईस्ट का मिक्सचर, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा दूध डालकर इसको गूंदना स्टार्ट करें। इस दूध को भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। जब ये डो तैयार हो जाए तो इसको और 10 मिनट अच्छी तरह से गूंद लें। आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट डो तैयार है। अब इस पर अच्छी तरह से तेल लगाकर इसको कवर कर दें और 1 से 2 घंटे राइज होने के लिए रख दें। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो ये डो जल्दी फूल जाएगा, वरना इसको फूलने में टाइम लग सकता है। आप इस डो को क्लिंग रैप या प्लेट से कवर करके किसी गर्म जगह पर रख दें ताकि ये जल्दी राइज हो सके। ब्रेड की फिलिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे 1 कप उबला हुआ चिकन, 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च लेंगे। जब तक डो राइज होता है हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैंने बोनलेस चिकन, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर इसको 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लिया है। मैं 2 चिकन ब्रेड के लिए ये 400 ग्राम चिकन बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 ब्रेड को हांडी में बनाऊँगी और 1 ओवन में बनाऊँगी। 1 चिकन ब्रेड बनाने के लिए आप 200 ग्राम चिकन ले सकते हैं। चिकन स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें बटर डाल दें। जब बटर मेल्ट होने लगे तो इसमें कटा हुआ लहसुन डालकर थोड़ी देर तक चम्मच चलाएं। अब इसमें कटी हुई प्याज डालकर प्याज को लाइट पिंक कलर आने तक पका लें। प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, बस हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज अब ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसमें मैदा डालकर चम्मच चलाते हुए 2 मिनट तक सौते कर लें, ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। अब हमें इसमें दूध ऐड करना है। दूध आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और चम्मच चलाते जाएं। चूल्हे की फ्लेम को लो करें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं। इस तरह से इसमें लम्स नहीं आएंगे। चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ी देर पका लें। थोड़ी देर बाद ये मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसमें बॉईल किया हुआ चिकन, कटे हुए वेजिटेबल्स, नमक, काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और 2 मिनट तक पका लें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट तक इस फिलिंग को पका लेने के बाद
इसमें गरम मसाला डालकर मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। ये फिलिंग अब बिल्कुल तैयार है, इसको ठंडा होने दें। 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये डो साइज में डबल हो गई है। अब इस डो को 2 से 3 मिनट तक किसी फ्लैट सरफेस पे अच्छी तरह से गूंद लें। इसको अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसके 2 इक्वल हिस्से कर लें। जिस बेकिंग ट्रे में आप बेक करने वाले हो उसको घी या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करके रख लें। अब डो का एक हिस्सा लें और सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको चपाती या रोटी की तरह बेल लें। पर हम इस बेस को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस बेस को थोड़ा मोटा ही बेला है। अब इसे केयरफुली बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें। हमने जो चिकन की फिलिंग तैयार की हुई थी इसको इस बेस पर इस तरह से फैला दें। इस फिलिंग को एजेस तक ना फैलाएं, आप 1/2 इंच इतनी जगह एजेस पर छोड़ दें ताकि हम ब्रेड को सील कर सकें। अब डो के दूसरे हिस्से को भी पहले वाली रोटी की तरह राउंड शेप में बेल लें। इस रोटी को चाकू या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स काट लें। इन स्ट्रिप्स को यूज करके इस तरह से ब्रेड पर डिजाइन बनाते जाएं। साइड्स पर जो भी एक्स्ट्रा डो है उसको कट करके निकाल लें। इस डो को आप दोबारा से बेलकर स्ट्रिप्स कट कर लें। अब क्रॉस पैटर्न में इस ब्रेड पर डिजाइन इन स्ट्रिप्स से बनाते जाएं। इस बचे हुए आटे को मैं दोबारा से बेलकर और स्ट्रिप्स बना लूंगी। जब ब्रेड का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो इसके एजेस को फोल्ड करके इस तरह से सील कर लें। इस तरह से ये ब्रेड भी सील हो जाएगी और इस पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। थोड़े से दूध में चीनी को मिक्स करके इस दूध को ब्रेड पर ब्रश कर दें, इससे ब्रेड पर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आएगा। इस ब्रेड को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने थोड़ी सी सफ़ेद तिल को भी इस पर छिड़क दिया है। ये ब्रेड अब बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ब्रेड को बिना ओवन के हांडी में बेक करने के लिए आप स्टील या एल्यूमिनियम के कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेट को भी आप घी या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करके रख लें। आपको दिखाने के लिए सेम मेजरमेंट से मैंने एक और ब्रेड तैयार करके रख ली है। अगर आप इस ब्रेड को बिना ओवन के हांडी में बना रहे हैं तो इस पर दूध और चीनी ज़रूर ब्रश करें, इससे ब्रेड पर काफ़ी अच्छा कलर आएगा। आप इस स्टेप को मिस ना करें। चलें, इस ब्रेड को मैं बिना ओवन के हांडी में बनाने का तरीका शेयर करूँगी। एक हांडी को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने 2 कप नमक यूज़ किया है। नमक को हांडी के बेस में अच्छी तरह से फैलाएं और इसमें इस तरह का कोई भी स्टैंड रख दें। अब इस हांडी को प्लेट से ढककर 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लें। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हांडी भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब इसमें केयरफुली इस ब्रेड को स्टैंड के ऊपर रख दें। अब इस हांडी को कवर करके मीडियम टू लो हीट पर 25 से 30 मिनट तक इस ब्रेड को बेक कर लें। मैंने इस ब्रेड को 30 मिनट तक बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिना ओवन के भी ये ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और इस पर बढ़िया सा गोल्डन कलर भी आ गया है। आप इस नमक को स्टोर करके दोबारा से बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ब्रेड को अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और प्रीहीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ब्रेड को 15 मिनट तक बेक कर लें। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में ही ये ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। जब ये ब्रेड गर्म हो तभी आप इस पर बटर या घी से ब्रश कर लें, इस पर एक अच्छी सी शाइन भी आएगी। चले, मैं इस ब्रेड को आपको कट करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिना ओवन के भी ये ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है।
और ये ओवन में बेक किया हुआ ब्रेड है और ये भी परफेक्टली बनकर तैयार है। आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप इस मेथड से इस टेस्टी ब्रेड को बना सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।